हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर और मैं आपका मैथ गुरु। सो देखिए, आज का सेकंड क्लास होगी हमारी। फर्स्ट क्लास मैं इस सेशंस पे आपको दे चुका हूँ जो कि मिक्स सेशन है, फास्ट कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। तो इसका फर्स्ट जो आपकी क्लास है बेटा, जिन बच्चों ने इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है जरूर देखें जाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास थी। अगर वो क्लास आप नहीं देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। प्लस में बेटा मैंने डिविजिबिलिटी रूल के आपको मैंने दो क्लासेस करवाई हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल की जो दो क्लासेस करवाई हैं वो भी जाकर आप जरूर देखना, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ये क्लासेस बचाने वाली हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये क्लास जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, एक्चुअल में ये थर्ड क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना, तो पहले मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है एन इक्वल टू है 1 + 1 आया प्लस में 111 आया प्लस में 1111, इसी तरह से कितनी बार आया है, 4 बार 1 आया। और इसी तरह से देखिए ये सीरीज आगे तक कंटिन्यू हुई और लास्ट में देखिए कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं इन सब का सम कर दूं, ठीक है, इन सब का अगर मैं सम करूं तो सम करने के बाद जो नंबर आएगा, जो ये n आएगा, इस n के डिजिट्स का हमें क्या बताना है, सम बताना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट मैं आपको सेकंड में करना सिखाऊंगा। पर जो चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूं वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है बेटा, ठीक है। तो देखिए एक बात समझो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पहले आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब आप इसको कॉन्सेप्ट बोलो, ट्रिक बोलो, कुछ ही बोलो, वो आपकी मर्जी है, क्लियर है बेटा। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं करता हूँ 1 फिर 1 1 1 1, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, 1 में ऐड किया मैंने 11 11 में फिर मैंने ऐड किया 111, तो ये कितना आएगा, 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 1। तो इनका जो सम आया वो आया 123। तो बेटे आप इतनी बात समझिए, जब हम इस तरह की सीरीज को ऐड कर रहे हैं, इस तरह की सीरीज को जब हम ऐड कर रहे हैं, तो यहां देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, कितना था, 111। इसमें 1 की नंबर्स काउंट करो कि इसमें नंबर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 3 नंबर आ रहे हैं, तो आप इसका जो सम आएगा वो आएगा 3 2 1। नहीं समझ में आया तो मैं और आपको समझाता हूं, देखिए, ठीक है। अगर नहीं बात समझ में आई तो एक बार और में समझते हैं मेरे भाई। चलिए देखिए, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका जो सम होगा ना, यहां देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है जिसमें 4 1 आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो इसका जो सम होगा, इस सबका जब मैं सम करूंगा तो वो होगा 4 3 2 1। अरे क्लियर हुआ, हो गया होगा। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 तो आया 4, 1 2 3 तो ये आया 3, 1 2 कितना आया 2, ये आ गया 1। तो क्या ऐड करने की जरूरत है क्या ऐसे क्वेश्चन में, नहीं है, कभी भी एडिशन मत करो। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ काउंट कीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो इसका सम जो होगा, n का जो सम होगा वो होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आया इसका सम। बट अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है बेटा, बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। बोल रहा है कि जो ये n है इसके दो डिजिट्स हैं, इनका सम बताना है हमें, इसके डिजिट्स का सम बताना है। तो डिजिट का सम कैसे हुआ, जैसे कि 1 + 2 3, फिर 3 होगा 6, फिर कितना हो जाएगा बेटा ये 10, फिर 5 ऐड करोगे 15, फिर 6 ऐड करोगे कितना आएगा 21। इस तरह से इसके डिजिट का हमें सम बताना है, मतलब कि हमें बताना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ..9 तक जितने भी ये डिजिट हैं इनका सम बताना है। तो मेरे बच्चा क्या इसका सम करोगे आप, नहीं सम नहीं करोगे बेटा। नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला आपको पता होगा, नेचुरल नंबर के सम का
ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है देखिए समझिए क्या होता है, वो होता है n n प्लस वन अपॉन में टू, जहां पर n क्या होता है, n होता है हमारे टोटल नंबर्स, n क्या होगा बेटा टोटल नंबर्स, याद रखिए ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। तो मुझे एक बात बताइए कि एक से लेकर नौ तक कितने नंबर होंगे, नौ नंबर होंगे, अरे बोलिए नौ नंबर होंगे हाँ या ना, तो आपका जवाब होना चाहिए सर हाँ बिल्कुल नौ नंबर होंगे। तो अभी ये मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लेना इस चीज को। तो बेटा यहां हमने फॉर्मूला करा एन, एन प्लस वन अपॉन में टू, एन की वैल्यू हो गई नाइन, तो ये हो जाएगा नाइन, नाइन प्लस वन कितना होगा टेन, प्लस में टू कैंसिल आउट हुआ फाइव, नाइन मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना आ जाएगा 45, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 45 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, और इससे शॉर्ट ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट ट्रिक ये सब चीजें देखो समझाने में टाइम लगेगा। अब मैं आपको हवाओं में क्वेश्चन करवा दूं कि भाई यहां से पैर पकड़ा, यहां से मैंने हाथ पकड़ा और आपको कुछ भी परोस दिया तो मजा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ट्रिक कॉन्सेप्ट ऑप्शन हर एक चीज आपकी स्ट्रांग हो जाए, मतलब कोई भी चीज आपको एग्जाम में परेशान ना करे बेटा ठीक है, कोई भी चीज हर एक चीज लेके चलेंगे, बट मेथड जो बताऊंगा वो मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा। अरे क्लियर होगी बात, तो आपको ये अच्छा लगा होगा, अभी मैं रब करने वाला हूं, आप अच्छे से इसको नोट की लीजिए ठीक है। नोट करते करते मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर है, आपने नोट करा होगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया ये वाला, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवाया था यार, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था, 11 का स्क्वायर निकालना सिखाया था जिसका एक स्पेशल केस होता था। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बात को समझना। देखिए बेटा जब हम 11 का स्क्वायर करते थे तो ये आता था 121, अरे बोलिए ये आता था, फिर हम दोबारा से इसका अगर स्क्वायर करूंगा मैं 111, तो बेटा ये जो 11 वाला फंडा होता था इसका जो मैं आपको स्क्वायर मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार 1 आ रहा है, तो यहां लिखिए 1 2 3, और उसके बाद बैक जाइए 3 से बैक चले जाओ 2 1, कितना आएगा 2 1, एक बार और समझा रहा हूं ध्यान से समझना चीजों को, 1 1 1 1 कितनी बार 1 आया, ये आया भाई 4 बार 1, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 1 2 3 4 3 2 1 ये इसका स्क्वायर होगा, जैसे कि 1 1 1 1 1, और इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये इसका स्क्वायर होगा, समझ गए चीजों को। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड है, प्लस में जो मैंने आपको अभी सम करना सिखाया वन वाला, जो मैंने आपको सम करना सिखाया वन वाला उसी पर बेस्ड है, इन दोनों चीजों पे ये चीज बेस्ड है, आप ध्यान दीजिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 1 2 3 2 1 प्लस, ठीक है, और इस तरह से कहां तक जा रहा है डॉटेड, और ये सीरीज बेटा इसी तरह से इंक्रीज हो रही है, और ये सीरीज जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, क्लियर है, और इसका हमें क्या बताना है सम, अरे बाबू बात समझे या नहीं समझे बेटा, इसका हमें क्या बताना है सम, ठीक है क्लियर होगी बात या नहीं हुई। अब देखो बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है, बहुत से बच्चे ना गलती करके इसका आंसर दे देंगे ए, बहुत से बच्चे इसका आंसर ए दे रहे होंगे, कितना 1 2 3 4 5 6 7, बोले दे रहे हो ना आप यही आंसर दे रहे होंगे इसका शॉर्ट, जबकि ये इसका आंसर नहीं है, समझना आप चीजों को ठीक है, फोकस करो बोर्ड पर, बहुत अच्छे से समझो चीजों को, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, बस अब आपको अच्छे से ये चीजें समझनी है। मुझे एक बात बताइए किसका स्क्वायर है, ये है सर 11 का स्क्वायर, अभी बताया था आपको,
अब देखिए 1, 2, 3 मैक्सिमम कितना जा रहा है 3 तक, तो कितने 1 आएंगे 1, 2, 3 आएंगे। उसके बाद अगली जो सीरीज होगी वो इसी तरह से इंक्रीज हो रही है भाई, अगला नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, अरे इसी तरह से तो इंक्रीज हो रही है सीरीज। तो यहाँ कितने नंबर आने वाले हैं, जो 1 आएंगे वो आएंगे 1, 2, 3, 4 प्लस। ऐसे ही लास्ट में बेटा बताइए लास्ट में कितना आने वाला है, कितना है यहाँ पर 7 है, कितना है यहाँ पर है 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आएंगे। तो मैंने अभी इसका आपको सम करना सिखाया, अभी मैंने इसका सम करना सिखाया था कि भाई अगर इस तरह की सीरीज आती है कि 1 + 1 = 1 = 1 = 1 = 4 = 1 = 5 = 1 = 6 = 1 तो इसका जो सम होगा उसमें हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे इसमें कितने 1 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 1 है। और आप यहाँ देख लेते सीधा कि देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है 7, तो यहाँ 7 1 ही होंगे, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट देखना है एग्जाम में, फालतू दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना एग्जाम के अंदर। तो देखिए हमने मैंने आपको लिखना ये सिखाया था अभी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये करना सिखाया था कि आपको इस तरह से लिखना है। बट बेटा फोकस करो, देखो बात को समझो, क्या यहां पर ये प्लस 1 हमने ऐड करा है, हमारा पहला नंबर जो आया था वो आया था 11 से, प्लस 1 हमने नहीं किया था। और जो मैंने आपको सीरीज बताई थी उसमें प्लस 1 भी हम करते थे, तो प्लस 1 जब हमने इसमें नहीं किया तो ये प्लस 1 हमें यहां जाकर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो माइनस होने के बाद ये 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हमारा सही आंसर होगा। डिटेल में विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक हर एक चीज आपको मैं क्लियर करवाऊं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करो तो आप एक बार इसको, चलिए बेटा एक बार नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर है, ठीक है। हाँ अब गलतियां मत करना, देखिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। हम एक सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक सीरीज हमें दी, हमें क्या बोला भाई अंडर रूट 1, 2, 1 प्लस में, फिर क्या बोल रहे हैं अंडर रूट 1, 2, 3, 2, 1 है ना, ये बोला। और इसी तरह से ये कंटिन्यू होता रहा और यहाँ अंडर रूट n आया, और इन सब का जो सम हमें दे रखा है, इन सब का सम हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमें इसका सम दे रखा है बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये स्क्रीन में यहां तक दिख रहा होगा 8 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 8 है, आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा। हमें n की वैल्यू बतानी है यहां पर, n की वैल्यू मेरे बच्चा, n की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा सम किस पे डिपेंड होगा, लास्ट वाले टर्म पर, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पर अगर 8 आ रहा है, तो ये 8 ये होना कितना चाहिए था, ये 9 होना चाहिए था, एक्चुअल में ये होना कितना चाहिए था, ये 9 होना चाहिए था। 8 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर प्लस वन नहीं है। एक्चुअल में अगर यहाँ प्लस 1 भी होता तो यहाँ 9 होता, यहाँ क्या होता 9 होता, क्लियर है, ये बात श्योर है। तो ये वाला जो नंबर होगा बेटा वो होगा अंडर रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, फिर 8, 7 और इसी तरह से 1 तक ये नंबर होगा। मतलब मैक्सिमम नंबर जो हमारा जा रहा होगा वो 9 तक जा रहा होगा, n की जो वैल्यू होगी, ठीक है, n की वैल्यू जो होगी वो 9 तक जा रही होगी। तो ऑप्शन ए देखोगे तो 5 तक जा रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम देखना मैक्सिमम। ऑप्शन बी 4 तक जा रहा है, ऑप्शन सी अगर देखोगे तो 7 तक जा रहा है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैक्सिमम 9 तक जा रहा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीस। क्या होगा बेटा, नन ऑफ दीस, क्योंकि देखिए अगर ये n की वैल्यू ये होती है तो हम क्या बोलेंगे 1, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 9, 8 ठीक है, क्योंकि ये आ गया राइट, क्योंकि ये आया, क्लियर है। तो यहां इसका जो सम होगा वो होगा 9, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 भाई ये होगा। बट 8 आने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 नहीं है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए -1 करते हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्लियर है बेटा।
ठीक है, तो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो बेटा आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो भी आपके डाउट होते हैं, जो भी आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, मुझे डाउट करके जरूर बताया, मतलब मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, मैं वो आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ता हूं आप सभी के। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी अब स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंप्लीफाई करना है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई इस तरह से कुछ, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई 1 + 2 + 3 प्लस में और डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है भाई, 65 प्लस में 64 प्लस में 65 प्लस में 64 फिर 63 और इसी तरह से डॉट डॉट ये 1 तक जा रहा है, आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, है ना। इसका हमसे सम पूछ रखा है और इसका सम सेकंड का आंसर है भाई, इसका सेकंडों का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जब मैं आपको चीजें समझा दूंगा ना, बस चीजों को देखो ढंग से समझा करो यार, भागा दौड़ी नहीं करनी हम लोगों को, चीजें ढंग से समझो, जब समझ जाओगे ना आप चीजों को तो आप भी सेकंड में आंसर देना सीख जाओगे। अभी मैं आपके संग अगर गड़बड़ कर दूं ना, अरे बेटा ऑप्शन सी आंसर है, चलो हो गया क्वेश्चन, तो यार कुछ सीखोगे नहीं। ठीक है, आप भी ऐसे निकालोगे बट आप चीजों को एक बार समझो तो सही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते ही आंसर दोगे मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का है, आप देखते ही आंसर दोगे, पहले चीजों को समझो, ये वादा करो मेरे से। अब ये जो सीरीज थी ना बेटा, इस सीरीज को ध्यान से समझना, ये जो सीरीज थी ये 1 से लेकर 65 तक इंक्रीज हुई। अरे ऐसा ही हुआ, ये सीरीज बेटा 1 से लेकर 65 तक इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हो गई 1 तक, मतलब 1 से लेकर 65 तक इंक्रीज होकर फिर ये डिक्रीज हो गई। अरे बोलिए ऐसा ही हुआ, हाँ ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही आपको दिख रहा है भाई। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बेटा वो आके चेक करवाओ अपनी, क्लियर है, करवा लिया करो टाइम टाइम पर। अब देखो बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर, और एक क्वेश्चन के अंदर बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे बताने पड़ते हैं, क्योंकि आपने मेरा कोर्स अभी तक लिया ही नहीं है। अगर कोर्स आप पढ़ चुके होंगे या फिर मेरे से पहले पढ़ चुके होंगे तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट देखो यहाँ आपको हर एक चीज मुझे बतानी पड़ती है, इसलिए एक क्वेश्चन में हमें इतना टाइम लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, तो ध्यान से चीजों को समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चे, अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना अब। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 1 + 2 + 1, तो मैंने ए सीरीज 2 तक इंक्रीज करी और फिर डिक्रीज कर दी, तो इसका सम आया 4। अरे बोलो इसका सम आया बेटा 4। फिर मैंने बोला बेटा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो इसका सम आया बेटा 9। तो मैंने ये इंक्रीज करी 1 से 3 तक और फिर डिक्रीज कर दी। ठीक है, चलो एक और चीज समझाता हूं, यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है ये मैंने किया, तो इसका जो सम आया वो आएगा 16। तो यहां मैंने ये 4 तक इंक्रीज करा और फिर मैंने डिक्रीज कर दिया। तो बेटा एक चीज आपने नोट कर ली होगी, ये पैटर्न आप समझ गए होंगे कि ये पैटर्न क्या है, आप पैटर्न ये समझ गए होंगे कि देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है 2, और 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे को इस सीरीज का सम मिल जाएगा। ऐसे ही यहां सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, और 3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको इस सीरीज का सम मिल जाएगा। यहां सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा 4, और 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको 16 मिल जाएगा। तो मैंने एक चीज नोट करी, मैंने इस पैटर्न जो ये सीरीज का जो पैटर्न था मैं इसको समझ गया कि एक बार 1 से चीजें इंक्रीज हुई मैक्सिमम नंबर तक और फिर डिक्रीज हो रही है 1 तक, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे इस सीरीज का सम मिलेगा। राइट, तो मुझे इस सीरीज का सम मिलेगा, बोलिए ऐसा ही तो हो रहा है। तो बात बेटा यहां क्लियर हो गई है, देखो समझो, यहां 65 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4225, बात खत्म, इस सीरीज का यही आंसर है। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर आपने ये इतनी जल्दी क्यों कर दिया, तो बेटा फर्स्ट
वीडियो अभी भी अगर आपने नहीं देखी है जो मैंने फास्ट कैलकुलेशन पे आपको बताई है, फर्स्ट वीडियो अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो जाकर देख लो, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, कि वही मैंने आपको बता दिया था, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। फटाफट जाओ फर्स्ट वीडियो देखो फास्ट कैलकुलेशन की एंड सिंप्लीफिकेशन की। पहले 5 मिनट या 10 मिनट में मैंने ये चीजें आपको बता दी है। ठीक है, तो और पहले क्या पूरी वीडियो देखो तो ही आपको फायदा होने वाला है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? अब ये आ जाएगा 3, 4, 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है देखो, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है और बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। बोल रहा है 1 + 2 + 3, और देखिए कहां तक मैक्सिमम देखिए कहां तक इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है 98 तक। तो हमें केवल और केवल किसका स्क्वायर निकाल देना है, 98 का स्क्वायर निकाल दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। और 98 का स्क्वायर निकालने में अब तुम्हें दिक्कत होगी, तो 98 का स्क्वायर होता है 9604। ये होता है, ये भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी देखिए मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी ट्रिक्स हमें कंपाइल करके दे दो एक वीडियो में, मैं आपको एक वीडियो में ऐसी सारी ट्रिक्स आपकी स्क्वायर की, मल्टीप्लाई की, प्लस की, ये सारी जो भी ट्रिक्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन पास करेगी, अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको एक वीडियो में कंपाइल करके दूं, तो आपका बस इतना काम है कमेंट कर दो, यस सर हमें चाहिए, यस सर हमें चाहिए, यस सर हमें चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ठीक है, अगर आपका ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं कंपाइल कर आपको इस तरह की वीडियो बना के दे दूंगा पूरी ट्रिक की। हाँ, कमेंट तो चाहिए चाहिए, प्लस में वीडियो को शेयर करो और लाइक करे बिना मत जाना बेटा, लाइक जरूर करना। ठीक है, लाइक करोगे मेरा कॉन्फिडेंस जाएगा ऊपर और मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक वाली एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि बहुत ही बेस्ट होगी, आप आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी वो। ठीक है, चलिए तो ये मैं बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, फर्स्ट वीडियो जाकर देखो। ठीक है, चलिए भैया अब आगे समझते हैं चीजों को। ठीक है, अब आ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो इसी पैटर्न पर है। मैं एक पैटर्न पे ना 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे कि आप उस पैटर्न को बढ़िया तरह समझ जाओ, आपको और कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 ने दे दिया आपकी बार अंडर रूट, आपकी बार क्वेश्चन नंबर 6 ने दे दिया अंडर रूट और क्या बोला कि 1 + 2 + 3 और डॉटेड, इसी तरह से सीरीज इंक्रीज हो रही है, उसके बाद 78 + 79 + 78, उसके बाद प्लस डॉटेड 2 + 1 = ये बोल दिया है। अब बोल रहा है भाई इसका सम कितना होगा, चलिए बताइए मुझे एक बार। ठीक है, सही चल रही है वीडियो तो बताइए बेटा। अरे आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर इसका जो सम होगा ना वो सबसे बड़ा नंबर जो होगा 79 का स्क्वायर होगा सर, बट बेटा अंडर रूट भी तो है, अब की बार अंडर रूट दे दिया हमें तो ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, आंसर आ जाएगा 79, बात खत्म हो गई। देखिए इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन, बोलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तोड़ के नहीं आओगे आप? अरे धुआं उठा दोगे तुम लोग यार। ठीक है, हाँ बस वीडियो देखा करो तुम लोग मेरी, ठीक है पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि पता नहीं मैं क्या बता दूं, कितनी बढ़िया चीज़ बता दूं वीडियो के बीच में, तो पूरी वीडियो बहुत अच्छे से बनाओ। और ये मत समझो कि प्रैक्टिस सेशन है इट्स ओके, बट मैं कॉन्सेप्ट भी देखो आपके स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, ये नहीं कि क्वेश्चन तोड़े और चला गया, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर भी अगर आप पूरी मैथ सीखना चाह रहे हो मेरे से तो आप कोर्स लीजिए, मैंने स्पेशल कोर्स दिया है। ठीक है, और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए बेटा। चलिए आगे समझते हैं बात को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात रही 7, वो आप खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो भी आंसर होगा आप ईमानदारी से कमेंट करोगे, इसलिए मैंने यहां पर ऑप्शन भी नहीं दिए इसमें आपको, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया था बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है, तो अब बेटा इसका जो भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे कमेंट कर देना चुपचाप, करना चुपचाप ही। ठीक है, चलिए किसी को बताना मत यार, बहुत मेहनत होती है तुम्हारे लिए,
तुम्हें लगता होगा कि ये तो ऐसे ही धुआं उठाने आ जाते हैं। धुआं उठाने में बहुत हिम्मत लगती है। मिटा दे बेटा इसे। चलो अब चलते हैं बात क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, रीड करो समझो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आया? देखो मैं समझाता हूं। बोले व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कि भाई अगर लगातार चार विषम संख्या अगर हमें मिलती है, लगातार चार विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर आप जानते होंगे, ऐसे नंबर जो कि दो से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं अगर किसी को नहीं पता तो। ऑड नंबर जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है जो कि दो से डिवाइड नहीं होते। बोला चार लगातार ऑड नंबर है, उनका प्रोडक्ट है, उनको मल्टीपल है, तो उसमें कौन सा नंबर हम ऐड कर दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन में लिखता हूं बेटा यहां पर। ऑप्शन हमें दे रखे थे, ऑप्शन ए दे रखा था 12, ऑप्शन बी दे रखा था हमें 14, ऑप्शन सी दे रखा था हमें 15, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 16। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेरे बच्चा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी सारा ध्यान यहाँ व्हाइट बोर्ड पर, मतलब अपनी मोबाइल लैपटॉप जो भी आप देख रहे हो, जिस पर भी देख रहे हो, उस स्क्रीन पर आ जाओ। ठीक है, समझो। अब यहाँ पर चार लगातार ऑड नंबर बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है, कोई भी ले लो भाई अपने मन से, कोई भी विषम संख्या। जैसे कि मैंने पहली चार ऑड नंबर ले लिए, 1 × 3 × 5 × 7, ये मैंने पहले चार नंबर ले लिए। इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो समझिए ये 1 3 हुआ, ये हो गया 15 × 7 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 105। क्लियर है बेटा? अब 105 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूं, देखिए 105 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूं तो होगा 711। तो क्या 117 किसी भी नंबर का स्क्वायर है? आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 14 जोड़ता हूं तो भी नहीं बनेगा, 15 जोड़ता हूं तो भी नहीं बनेगा, 16 अगर मैं जोड़ता हूं तो 16 जोड़ने के बाद ये हो गया 121, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया कितने का? 11 का। 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो भाई हमारा जो आंसर आया बेटा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर आपने तो मतलब कुछ भी ले लिया अपने मन से, आपने अपने मन से 1, 3, 5, 7 क्यों लिया है जी? तो बेटा कुछ भी ले लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, बट वो लगातार होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि वो लगातार होने चाहिए। चलो आपका अगर मन नहीं भर रहा ना तो मैं आपको दूसरे ऑड नंबर लेकर आपको दिखाता हूं, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये लेना आप। ठीक है, इनका जो भी प्रोडक्ट आए उसमें 16 जोड़ के देखना, आपका जो नंबर आएगा वो दोबारा से क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, दोबारा वही आएगा। तो कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, पर ये गलती मत करना कि कोई भी ऑड नंबर उठा लो, लगातार होने चाहिए। मतलब कि 3, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, तो 7 के बाद क्या आता है? 9। तो 11 मत ले लेना, 9 ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है लगातार होने चाहिए। सो देखिए आज इतना ही इस सेशन में, कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना। अगर आपको कंपाइल चाहिए ट्रिक्स का पूरा एक वीडियो तो कमेंट जरूर करना, अगर कमेंट नहीं करोगे तो भाई मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों मेहनत करूं जो आप में मेहनत नहीं करना चाहते मेरे लिए, तो वो जरूर बोलना प्लस में। ठीक है, मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के संग बहुत जल्दी, आपसे मैं मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।